हेलो फ्रेंड्स, मीमास कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो आज मैं किचन के ऐसे अमेजिंग टिप्स लेके आई हूँ जो बहुत यूज़फुल हैं और आपके डेली के काम को भी आसान करेंगे। आज मैं कटिंग से रिलेटेड टिप्स लेके आई हूँ, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। ये है टिप नंबर 1। जब हम फिंगर चिप्स बनाते हैं तो उनका कलर ठीक नहीं आता, तो ये उसी से रिलेटिव टिप्स है। तो मैंने आलू को छील के पानी में डाल दिए थे। ये बहुत ज़रूरी है कि आलू को छील के आप पानी में डालें, नहीं तो उनका कलर चेंज हो जाता है। अब हम इनको कट कर लेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखें कि ये कट करते ही इनको पानी में डालेंगे हम। अब हम सारे आलू ऐसे ही कट कर लेंगे और इनको हम पानी में डालते जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारे फिंगर चिप्स कट हो गए हैं। अब हम इनको पानी में डालेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारे सारे फिंगर चिप्स कट हो गए हैं। अब हम इनको पानी में डालेंगे। तो इनको हमें 2-3 पानी से वॉश करना है। यही टिप है कि हमें इनको 2-3 पानी से वॉश करना है, जब तक कि इसका सारा वाइट ना निकल जाए तब तक हमें वॉश करना है। अगर आपको 3-4 पानी से धोना पड़े तो आप इसको ज़रूर धोएं, क्योंकि हमें इसका सारा स्टार्च निकालना है। जब तक स्टार्च नहीं निकलेगा तब तक आप इसको धोते जाएं, तभी हमारे फिंगर चिप्स का कलर सही आएगा। अब है टिप नंबर 2। तो इस टिप में मैं आपको नींबू का रस निकालना बताऊंगी कि नींबू का रस ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे निकालें। तो नींबू को नीचे रख के हम इसको दबाएंगे, इसको थोड़ा गोल गोल घुमाएंगे जिससे कि इसको सॉफ्ट हो जाए। तो हमें नींबू को सॉफ्ट करना है। देखिए दोस्तों, हमारा नींबू सॉफ्ट हो गया है। अगर आपको ज़्यादा रस निकालना है तो इसको सॉफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसको कट करेंगे। अब मैं इसका रस निकाल के दिखाऊंगी। अगर आप इस तरीके से रस निकालेंगे तो आपके नींबू में ज़्यादा से ज़्यादा रस निकलेगा। तो देखिए दोस्तों, हमारे नींबू का रस कितना सारा निकल गया है। तो आप इस टिप को ज़रूर फॉलो करें और हमें कमेंट्स में ज़रूर भेजें कि हमारी ये टिप आपको कैसी लगी। अब है टिप नंबर 3। इस टिप में मैं आपको मिर्च को काटना बताऊंगी कि जब भी हम मिर्च को काटते हैं और हाथ से पकड़ते हैं तो हमारे हाथों में जलन पड़ने लगती है। तो एक फोक लें, फोक को हम मिर्च से दबा देंगे और अब हम मिर्च काटेंगे। तो हमें हाथ से पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं है और हमारे हाथ जलेंगे भी नहीं, क्योंकि कभी कभी ये बहुत जलते हैं। ये हैंड वॉश करने के बाद या कुछ लगाने के बाद भी ये बहुत जलते हैं। तो दोस्तों, आप ऐसे मिर्च काट सकते हैं। और आपको हमारी टिप ये कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर भेजें। तो देखिए, हमारी मिर्च बिल्कुल कट गई है। अब है टिप नंबर 4। ये टिप बिगनर्स के लिए है। तो इस टिप में मैं अदरक को कट करना बताऊंगी। तो पहले ये जो गठान होती है या जहाँ से मुड़े होता है अदरक, हमें उसको काट लेना चाहिए। तो देखिए, मैंने काट लिया है। अब हम इसको अच्छे से छील देंगे। तो मैं चाकू की हेल्प से ही छीलूंगी। दोस्तों, अदरक के बहुत सारे बेनिफिट हैं, तो अदरक को आप किसी न किसी रूप में ज़रूर खाएं। इसको आप चाय में डाल के भी ले सकते हैं, सब्जी में डाल के भी ले सकते हैं, या अदरक का चटनी बना ले सकते हैं, अदरक का अचार बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं आप। किसी न किसी रूप में आप इसको ले सकते हैं। अब हमारा अदरक छिल गया है। अब हमने जो साइड के जो काटे थे वो भी हम इसको छील लेंगे। इनको फेंकना नहीं है, इनको भी छील के हमें यूज़ करना है। तो देखिए दोस्तों, हमारा अदरक छिल गया है। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो कट आप किसी भी शेप में कर सकते हैं, इसको गोल में या लंबे में, कैसे भी शेप में आप इसको कट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमारा अदरक कट हो गया है। अब हमने जो नींबू का रस निकाला था उसमें हम इस अदरक को डाल देंगे और इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। अब इसको हम 2-3 घंटे के लिए साइड में रख देंगे और जब भी हमें खाना खाना है तो हम इसके 1-2 टुकड़े निकाल के हम खाने के साथ ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप नींबू वाला अदरक ज़रूर घर पर बनाकर ट्राई करें।
इसमें हम मिर्च भी डाल सकते हैं, तो मैं अभी मिर्च भी डालूंगी। आप नींबू वाला अदरक और मिर्च ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट्स में ज़रूर भेजें कि आपको नींबू वाला अदरक और मिर्च कैसी लगी है। अब है टिप नंबर 5। इस टिप में मैं आपको बताऊंगी कि शिमला मिर्च को आसानी से कैसे काट सकते हैं और जल्दी कैसे काट सकते हैं। पहले हम जो सामने का जो डंठल होता है हम उसको निकाल देंगे, और काटने के बाद हम जो बीज का जो बीज होते हैं वो भी हम सारे निकाल देंगे। अब हम इसको 4 हिस्सों में कट कर लेंगे। अब हम इनको एक के ऊपर एक रख देंगे और इनको स्लाइस में काट लेंगे। तो जितनी भी पतली आपको स्लाइस चाहिए, इसकी पतली या मोटी जैसी भी चाहिए, आप वैसे काट सकते हैं इसको। तो ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल आसानी से कट गए हैं। चारों हमने एक साथ रख दिया था तो इसलिए कितने फटाफट कट गए हैं और कितने बारीक कट गए हैं। जैसे भी आपको काटना है, आपको मोटे काटना है या बारीक काटना है, ये बिल्कुल बारीक भी कट जाते हैं, इससे भी बारीक कट जाते हैं। तो आप ऐसे शिमला मिर्च काट सकते हैं, ये बहुत आसानी से कट जाते हैं और बहुत बारीक, जैसे भी आपको काटना है मोटा पतला वैसे कट जाते हैं। तो दोस्तों, हमारी ये टिप आपको कैसी लगी? अब है टिप नंबर 6। इस टिप में मैं आपको सैलेड कट करना दिखाऊंगी कि जब भी गेस्ट चाहते हैं तो हमें अच्छा सैलेड कैसे कट करना है, एक जैसे बिल्कुल इवनली स्लाइस कैसे कट करना है, तो भी इस टिप में मैं आपको बताऊंगी। तो पहले एक खीरा लिया है मैंने, तो खीरे में फोक डाल दी है और उस फोक से की हेल्प से हम ऐसे कट करेंगे। तो ये स्लाइस बिल्कुल बराबर कट होते हैं, कोई छोटा बड़ा कट नहीं होता। तो आप इस तरीके से कट कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैं सारा खीरा कट कर लूँगी। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी स्लाइस बिल्कुल कट हो गई हैं, खीरे की स्लाइस बिल्कुल एक जैसी कट हुई हैं, कितनी अच्छी दिख रही हैं ये। ऐसे ही हम टमाटर को भी कट करेंगे। कोई गेस्ट आता है तो अगर आप ऐसे सैलेड करते हैं तो ये बिल्कुल इवनली कट होता है, बिल्कुल सारी स्लाइस एक जैसे कट होती हैं, तो ये देखने में भी बहुत अच्छा दिखता है। तो देखिए, हम ऐसे ही टमाटर को भी कट कर लेंगे। अब हमारे टमाटर कट हो गए हैं, देखिए कितनी अच्छी स्लाइस कट हो गई हैं। और हम प्याज को भी ऐसे ही कट करेंगे। तो जो भी हमें स्लाइस काटना है उसको हम ऐसे कट कर सकते हैं, तो सारी स्लाइस बिल्कुल इवनली कट होंगी। तो देखिए दोस्तों, हमारी प्याज भी कट हो गई है, इसकी भी स्लाइस कितने अच्छे से कट हो गई है। तो अब मैं सैलेड को डेकोरेट करके दिखाऊंगी। तो सारे सैलेड को हम एक प्लेट में डेकोरेट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारी सैलेड कितनी अच्छी दिख रही है, बिल्कुल इवनली कट हुई है। अगर कोई गेस्ट आए तो आप इस तरीके से सैलेड काट सकते हैं, ये देखने में भी बहुत अच्छी दिखती है। तो आप इस टिप को ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी टिप कैसी लगी। तो दोस्तों, हमारी इनमें से कौन सी टिप्स आपको अच्छी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।